10 साल बाद 5 करोड़ से अधिक राशि का सेधवा की 23 पंचायतों के मनरेगा में गबन करने पर 23 लोगों को न्यायालय से सजा। दरअसल जिला न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मकराम द्वारा पारित फैसले में सेंधवा जनपद पंचायत की 23 ग्राम पंचायतों में मनरेगा में मालवन स्थित SBI बैंक शाखा प्रबंधक, 3 अलग अलग फर्मों के संचालकों सहित 23 ग्राम पंचायतों के 19 लोगों को 7 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया। भ्रष्टाचार में न्यायालय ने 25 लोगों को दोषी पाया, जिनमें प्रकरण की सुनवाई के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 23 में से एक पहले से ही जेल में बंद है। लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमरावत, अतिरिक्त लोक अभियोजक पवन जाट से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा जिला पंचायत कलेक्टर में शिकायत हुई थी। जनपद पंचायत सेंधवा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों से फर्जी बैंक खाते खुलवाकर शासकीय राशि में गबन किया। कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जाँच दल गठित कर जिसमे 5/3/2012 को जाँच दल के प्रभारी SK शर्मा, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन के निर्देशन में समिति द्वारा जांच करवाई। जांच में पाया गया 23 ग्राम पंचायतों में भारतीय स्टेट बैंक मालवन में फर्जी खाते खुलवा 5,21,50,000 रुपए का गबन 2010 एवं 11 में करने की पुष्टि की गई। जांच दल ने पाया लखन सिंह राजपूत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेंधवा, राजेश खड़के तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालवन तथा 23 ग्राम पंचायतों से जारी की गई राशि अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने वाले 3 फर्म के संचालक पशुपति ट्रेडर्स सेंधवा के प्रोप्राइटर सदाशिव बाबूलाल मोर निवासी सेंधवा, राजेश्वर फार्म के अंशुमान खेमराज सेंधवा एवं नीरज मिश्रीलाल गुप्ता सेंधवा एवं सेंधवा जनपद पंचायत की 23 पंचायतों के सरपंच सचिव को आज न्यायालय से प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मकराम द्वारा सजा दी गई। वरला थाना में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन पर थाना वरला में FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पुली वरला द्वारा 409, 420, 467, 468, 120B/34 के तहत मामला दर्ज किया गया। ग्राम पंचायतें कालालदा, झापड़ी, पडाला, खोकरी, डिंगली, मडगांव, लवानी, रामकोला, धावड़ा, चाचरिया, पाती, काली कुंडी, कोट, किराड़ी, रोजानी, माल, नांदिया, राजगढ़, सिरवेल, गुड़चाल, इथराई, बनिहार, बड़गांव, नवलपुरा, झंडी खोदरी, चिकली, बकुंडिया। टीम भारती न्यूज। ये वर्ष 2010-11 का मामला है, जिसमें जनपद पंचायत सेंधवा के अंतर्गत 23 ग्राम पंचायतों में फर्जी खाते खोले गए, जिनका खाते मूल पंचायतों से हट गए। ये भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालवन में इन लोगों ने खाते खोले थे, जिसमें जो तत्कालीन CEO थे लाखन सिंह राजपूत और बैंक मैनेजर राजेश हड़के, उन लोगों ने मिलकर फर्जी खाते 23 ग्राम पंचायत को सरपंच सचिव के ओपन किए थे और राशि का इन्होंने 3 फर्मों में अंतरण किया था। ये कुल राशि थी 5,21,50,000 रुपए का गबन। इस संबंध में शिकायत हुई थी, जिला पंचायत CEO द्वारा जांच गठित की थी, जिसके प्रभारी थे SK शर्मा जी। उन्होंने जांच की, जांच में पाया कि 23 ग्राम पंचायतों द्वारा मंडरा के अंतर्गत कार्य नहीं किए गए थे और फर्जी खाते पर खोलकर उस राशि का दुरुपयोग किया, शासन की राशि का धोखाधड़ी कर गबन किया गया था। कितने लोगों को सजा हुई है? इसमें कुल 25 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपी मृतक हैं, 23 लोग हैं, इसमें से 22 पुरुष और 1 महिला है। Subscribe now to most exciting channel ever.